हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा क्रिएशन ऑल इन फन। तो फ्रेंड्स, मैं पूजा फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नए वीडियो के साथ। और आज की जो मेरी वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो मैं किसी के लिए बना रही हूँ, और जिनके लिए बना रही हूँ उनके लिए भगवान करे कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। क्योंकि फ्रेंड्स, हम अपने घरों में आज सेफ हैं, जैसे कि कोरोना का दौर भी आया, भगवान की कृपा थी हम सभी पे कि हम आज भी सुरक्षित, और भगवान करे हमेशा सुरक्षित रहें, हमारी फैमिली भी सुरक्षित रहे। पर क्या कभी आपने सोचा है कि उनके ऊपर क्या बीतती है जिनके फैमिली मेंबर्स या जिनके हस्बैंड को, जिनकी वाइफ को कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जिसमें उनकी जान तक जाने का खतरा है। सोच के भी दिल दहल जाता है ना। तो आप सोचिए कि जिसके साथ ये हो रहा होगा उसे कैसा लगता होगा। उसे तो दिन और रात में कोई अंतर ही नहीं लगता होगा। क्यों? क्योंकि रात में तो नींद ही नहीं आती होगी टेंशन की वजह से। फ्रेंड्स, आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ, उनके चैनल का नाम है ज़िंदगी मिलेगी दोबारा। उनके चैनल का ये नाम है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा आरती व्लॉग्स करके उनके चैनल का पूरा नाम है। फ्रेंड्स, उनकी कहानी बहुत ही दिल कचोट देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। फ्रेंड्स, शादी को सिर्फ अभी उनके 2 साल हुए हैं, नई नई शादी है, 1 साल का बच्चा है साथ में उनके, और उनके हस्बैंड की दोनों किडनी फेल्योर हो चुकी है, डायलिसिस पे चल रहे हैं उनके हस्बैंड। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है निधि की दुनिया, निधि के बारे में। सेम इंसिडेंट्स उनके साथ भी हुआ था, बट उनकी भी शादी को बहुत कम टाइम हुआ था, 1.5 से 2 साल में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई किडनी फेल्योर की वजह से। उनका भी 8 महीने का बेटा है। फ्रेंड्स, मैं बस भगवान से ये प्रे कर रही हूँ कि आरती के साथ ऐसा कुछ भी ना हो, दूसरी निधि इस दुनिया में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि निधि जो आज फेस कर रही है वो सिर्फ वही जानती है, एक छोटा बच्चा लेके इस दुनिया में सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। और आरती के साथ प्रॉब्लम ये है, फैमिली है उनके साथ पर कोई सपोर्ट नहीं है फैमिली मेंबर्स का उनके साथ, ना ही ससुराल वालों का, ना ही मायके वालों का। डायलिसिस पे हस्बैंड चल रहे हैं, घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उन्हें जब कुछ नहीं सोचा तब उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। उन्हें ब्लॉगिंग नहीं आती है, वीडियो प्रॉपर नहीं बना पाती हैं, बस 2 पैसे कमाने के लिए वो आई हैं यूट्यूब पे, अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, क्या हम ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं? मैं आपसे कोई डोनेशन नहीं मांग रही हूँ, हमें बस उनके चैनल पर जाना है, जो सब्सक्राइब का बटन होता है उसको प्रेस करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि जब भी वो जो भी वीडियोस डालें, जो भी अपडेट्स डालें, उनकी नोटिफिकेशन हमको सबसे पहले मिलती रहे और हम उनकी वीडियोस देखते रहें। हमारे जो मोबाइल में डाटा रहता है, एमबी रहता है, वो वैसे ही वेस्ट हो जाता है कभी कभी। तो क्यों ना हम उसको यूज़ करें अच्छे काम में। हम घर बैठ के ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, एक वीडियो ही तो देखनी है, इतना भी हम नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्थिति ये है कि हस्बैंड जब तक सही थे, ठीक ठाक थे, हेल्थ से कोई प्रॉब्लम ऐसी जब तक नहीं उनको समझ में, वो वर्क करते थे, काम करते थे और उसी से उनका घर चलता था। पर आज वो पूरी तरह से रेस्ट पे हैं, डायलिसिस पे हैं, हर तरह से परहेज है, ढेर सारी मेडिसिन्स चल रही हैं, सारा खर्चा आरती देखते देखते परेशान हो चुकी है, थक चुकी है। साल भर का बच्चा है, घर में दूध तक नहीं आता है, मतलब सोच के भी दिल एकदम पसीज जा रहा है कि आरती इस टाइम किस सिचुएशन में है, क्या क्या फेस कर रही हैं। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा दिन आए। मैंने कमेंट करके पूछा एक जगह, उन्होंने बताया कि आज मैं काली चाय पी रही हूँ क्योंकि दूध ख़त्म है और वो मुझे काली चाय ही पीनी है। तो मैंने उनसे कमेंट में पूछा कि छोटा सा बच्चा है उसके लिए दूध नहीं लेती हैं क्या? तो उन्होंने रिप्लाई पता है क्या दिया, लेती तो थी दी, लेकिन दवाइयों में ही इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि बच्चे के लिए दूध लेने के लिए भी पैसा नहीं बचता। मतलब
कैसा लग रहा है ना इस टाइम मैं बता नहीं सकती। बस ये वीडियो उनको डेडिकेटेड वीडियो में बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान है आप, उनकी वीडियोस देखिए आप भी रो देंगे, दिल दहल उठेगा आपका। 2 साल जिस लड़की की शादी को हुए और उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा भूकंप आ गया हो। पूरी पूरी रात आरती सोती नहीं है, कब क्या हो जाएगा उन्हें कुछ पता नहीं है। हस्बैंड भी हिम्मत हार चुके हैं, पर प्लीज़ जितनी लोग भी मेरी वीडियोस देखें, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, 700-800 के करीब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसमें से अगर 100-200 भी उनके चैनल्स पे जाते हैं, विज़िट करते हैं, तो कुछ तो हेल्प मिलेगी ना। आज 850 सब्सक्राइबर्स थे उनके, मैं चाहती हूँ 1000 सब्सक्राइबर्स उनके कंप्लीट हो, 4000 घंटे का वॉच टाइम उनका कंप्लीट हो, ताकि उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए और कुछ पैसे वो अर्न कर सके, ताकि उन पैसों से वो अपने हस्बैंड का इलाज कर सके। मुझे पता है बहुत से लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, पर मैं कल से, मतलब उनका जो चैनल था, उनकी वीडियोस थी, वो मुझे मेरे यूट्यूब पे, मतलब मैंने देखा उन्हें, मुझे आया था नोटिफिकेशन में ऐसे ही, तो मैंने देखा और सारी वीडियोस देखी। फिर उसके बाद उनकी मैंने बहुत से यूट्यूबर से हेल्प मांगी है कि प्लीज़ सब लोग उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाइए और अपने अपने सब्सक्राइबर से हेल्प लीजिए, ताकि हम सब मिल के उनके लिए कुछ कर सकें। अगर कोई यूट्यूबर मेरा ये वीडियो देखता है, तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है उनसे कि आप लोग भी प्लीज़ कोशिश करिए कि हम उनकी छोटी छोटी करके हेल्प कर सकें और वो अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट कर सकें और उनके हस्बैंड ठीक ठाक हो जाएं। क्या पता हमारी ये छोटी सी कोशिश किसी की जान बचा दे। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, उनके चैनल पे विज़िट ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा उनके चैनल को, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स फिर से मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय, थैंक यू।